ग्रामीण युवा एकता मंच के द्वारा 10 सूत्रीय मांग को लेकर यूसीसीबीआई कंपनी खैरा का घेराव किया गया। ग्रामीण युवा समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष अनु पासवान ने बताया कि यदि यूसीसीबीआई कंपनी के द्वारा ग्रामीण युवा एकता संगठन की 10 सूत्रीय मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और कंपनी द्वारा जल्द से जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो ग्रामीण युवा एकता मंच कंपनी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। दो तारीख को बीएलए प्रबंधक को ग्रामीण एकता मंच के द्वारा लेटर दिया गया था जिसमें रिमाइंडर दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर अगर 10 दिनों के अंदर वार्ता नहीं करती है तो कंपनी 11 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद करेगी। इसको लेकर आज ग्रामीण एकता मंच 10 सूत्री मांग को लेकर ग्रामीण एकता मंच अनिश्चितकालीन धरने पर। क्या क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कंपनी द्वारा एचपीसी पेमेंट दिया जाए, जो सरकार से निर्धारित एचपीसी पेमेंट है वो दिया जाए। बिना पाइप बिछाए हुए बिना पानी के सुविधा को कंपनी ये चला रही है जो न्याय संगत है, जिसे दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ते जा रही है जिसमें लोगों को नौजवान युवा लोगों को जान का खतरा है प्रदूषण से। कंपनी पीएफ दिया जाए कंपनी के द्वारा कार्यरत मजदूरों को। अभी तक किसी से बात हुई? अभी तक बात कोई उपाध्याय कंपनी का उससे बात हुई, जो ठोस निर्णय नहीं दिया गया है। जो बोला कि 29 तारीख के बाद कोई कंपनी का टीके आएंगे उससे मैं बात करूंगा। ये सब जब तक अगर ठोस बात नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगी, हमारी धरना शांतिपूर्ण रहेगी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।